अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मॉर्निंग का वक्त है, काम भी मैंने कर लिया है और उसके बाद आज मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं क्योंकि उन्होंने आज लीव ली है, छुट्टी ली है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करने का तो बनता है क्योंकि उनको थोड़ा वीक फील हो रहा था इसकी वजह से। और फिर काम का लोड ज़्यादा था इस टाइम, थोड़ा सा संडे को भी जा रहे थे और जुमे के दिन भी मतलब आ नहीं रहे, छुट्टी नहीं थी, शाम में ही आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा आज। मैंने कहा ठीक है। और फिर आज चिल्ड्रंस डे भी है, सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और बच्चों का दिन है आज, तो उधर तो गए स्कूल, उनके स्कूल की छुट्टी नहीं थी और वैसे उमर के स्कूल भी नहीं है, लेकिन उमर उन्हें का नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं आज हम घर पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे आज। मैंने कहा ठीक है, आज हम घर पे ही पेंटिंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए उन्हें का और उमर पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो दीवार पे ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, दीवार बच्चों ने पूरी ख़राब कर दी। अब पेंट होगा, देखेंगे अब कब करवाए, ईद वगैरह पे लिख दिया हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और ये बच्चे देखो पेंटिंग करने कह रहे हैं आज हम घर पे रहेंगे और घर पे ही पेंटिंग करेंगे, स्कूल में भी यही होगा और हम घर पे करेंगे। मैं ठीक है तुम लोगों की मर्जी, आज भैया आज तुम लोगों का दिन है, आज कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। मतलब लिमिटेड, ये नहीं अनलिमिटेड, कुछ भी जो इनके मतलब बस में होगा उससे ज़्यादा नहीं। और उम्र दिखानी रही पेंटिंग, मैंने कह रहे हैं बाद में दिखाऊंगा जब पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उन्हें कहा से मैं पूछ रही हूँ, उन्हें कहा तुम क्या बना रही हो, तो उन्हें कहा कह रही मैं सीनरी बना रही हूँ। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बना रही है, पूरा कंप्लीट होगा तो पता चलेगा। बच्चों की सोच कहाँ तक है, हम बच्चों की सोच तक तो नहीं पहुँच सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के, मेरी नंद आ गई थी, बड़ी नंद आ गई थी, तो वो कहने लगी चलो मार्केट चलना है, अमनीशा जाना है मुझे, उनके मतलब शादी है उनके घर में, उनके जेठानी की भाई की लड़की की शादी है, तो शॉपिंग वगैरह चल रही है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। ये है देखिए सुमैया हाई कर रही हैं और थोड़ा शोर ज़्यादा था इसकी वजह से आवाज़ नहीं ले पाई हम लोगों की। और ये बाजी है, हम लोग जाने लगे हैं। और मैंने ये वैसे ये मार्केट आप लोगों को पहले दिखाई नहीं है क्योंकि अभी मैं वैसे दिखाई है, अब मैं उधर को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उसी मार्केट के अंदर से जाना होता है और सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ इसलिए ज़्यादा वो खुला नहीं रहता है। तो आज मैं आपको ये वाली मार्केट भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ मिलती है, बस थोड़ा सा कहीं हाई भी है कहीं लो भी है, मतलब कहीं पैसे ज़्यादा भी कहीं कम भी है, लेकिन बार्गेनिंग करना तो हक है औरतों का, तो बार्गेनिंग तो हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब कुर्ते वगैरह और गर्म सर्दियों के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, पर्स वगैरह, मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, बस बजट होना चाहिए, बजट नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसके मतलब फिर हमने देखने लगे, जाने लगे हम लोग। और अभी तक तो कुछ हमने देखा नहीं है क्योंकि सुमैया को लेना था स्टॉल पार्टी वियर, शादी में वो स्टॉल बांधती हैं वो कपड़ों के ऊपर। तो इधर देखिए कुर्ते वगैरह बहुत अच्छे अच्छे गर्म कुर्ते वगैरह सब आए हुए हैं, बहुत अच्छा सामान था मतलब। उसके बाद हम लोग जाने लगे तो फिर मैंने कहा चलो अब पहले स्टॉल ले लो, स्टॉल देख लो क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए पहले वो देख लो सुमैया तुम अपने लिए। तो हम आ गए हैं इस वाली शॉप पे, देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल है, जो लोग पहनते हैं वो आके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत प्यारे प्यारे और प्राइस भी सही मिल जाता है मतलब। लेकिन ये कम नहीं करते हैं क्योंकि ये फिक्स रेट की दुकान होती है अमनीशा में, ज़्यादातर हर दुकान पर फिक्स रेट है। सुमैया को कोई और पसंद आ रहा है, बाजू को कोई और पसंद आ रहा है, अब देखते हैं कौन सा लेना चाहेंगी वो। जो सुमैया को पसंद आ रहा थोड़ा छोटा था, वो पतला था इसकी वजह से। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सुमैया के ऊपर, यही वाला हमने फिर डन कर लिया था कि ये वाला ले लेंगे, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग ने ले लिया था, हम जाने लगे हैं तो बाजी कहने लगी मुझे एक नागरा भी चाहिए, नागरा भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है तो चलो, नागरा वाली शॉप पर आ गए हम। बहुत प्यारी प्यारी नागरा थी लेकिन बहुत हाई रेट था इनका। और यहाँ से जो बाजी के हाथ में, ये तो 800 की नागरा थी, थोड़ा कम करा उन्होंने, करा नहीं तो बाजी ने लिया नहीं, बाजी कह नहीं तो मैं अपने वहीं से ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बाजी को एक कॉटन का फ्रॉक पसंद लेनी थी तो कह रही मुझे चाहिए कॉटन फ्रॉक दिला दो, तो चलो हमने देखा यहाँ पे, लेकिन वो सर्दियों के कपड़े ज़्यादा आ गए तो गर्मियों के थोड़े कम हो गए हैं इस टाइम। होजरी वगैरह में मिले थे, सॉरी स्ट्रेचेबल क्या कहते हैं उसको, होजरी वही होता है, मुझे ज़्यादा कपड़ों की नॉलेज नहीं है। ये हमें पसंद आ रहा थोड़ा सा, लेकिन फिर सुमैया का नहीं है, अच्छा नहीं है। बाजी ने कॉटन फ्रॉक देखी तो उन्हें मिली नहीं, उन्हें थोड़ी सी ओपन चाहिए थी आगे से जो बटन वाली होती है, तो वो मिली नहीं उन्हें।
देख रहे हैं अभी कुछ आ जाए पसंद। इस तरीके से तो पसंद नहीं आई है तो मैंने कहा बाजी अगर पसंद नहीं आ रही तो रहने दो, फिर कभी आना फिर देख लेना। बाजी के इधर भी मार्केट है वो बहुत अच्छी है, तो कुछ कुछ हम निशा से भी लेके जाती हैं। वो उसके बाद बाजी कहने लगी है बच्चों को थोड़ा सा मतलब वहाँ से ले लूँगी मैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ पसंद आ गया तो यहाँ ले लेंगे। और बाजी को थोड़ा सा वो फ्रॉक वगैरह भी लेनी थी, फ्रॉक जो लेनी थी वो पसंद नहीं आ रही तो इसकी वजह से फिर यहाँ देखी, यहाँ भी उन्हें पसंद नहीं आई। देखिए मैंने कहा बाजी अब तुम बाद में ले लेना क्योंकि ये पसंद नहीं आ रही है, कॉटन की चाहिए थी इनको तो उन्हें पसंद नहीं आ रही। उसके बाद सुमैया इयर रिंग के लिए कह रही थी हमें इयर रिंग दिला दो मुझे। अच्छा तो फिर इयर रिंग वगैरह देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे इयर रिंग देखिए सुमैया पहनती है छोटी छोटे और यहाँ आते बहुत बड़े बड़े, फिर भी मैंने कहा देख लो अगर पसंद आ जाए। बाजी को ये कड़ा पसंद आ रहा था लेकिन फिर मैंने कहा बाजी ये दुपट्टे में मतलब ये फंसता भी है ना कपड़ों में, ये लड़कियों के लिए सही है। तो बाजी ने ठीक सही कह रही है सुमैया इयर रिंग देख रही लेकिन पसंद बाजी को ये वाली क्या कहते हैं इसे वो पिन पसंद आई है तो ब्लैक वाली ली थी बाजी ने। और सुमैया को इयरिंग नहीं पसंद आई क्योंकि उन्हें छोटी चाहिए थी, यहाँ बहुत बड़े बड़े छोटे में जो थे वो पसंद नहीं आ रहे थे उन्हें, कहने नहीं मुझे अच्छे नहीं लग रही। कई देखे लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं लगे तो मैंने कहा रहने दो सुमैया पसंद नहीं आ रहा। वैसे तो इयरिंग उनके पास बहुत है ज़्यादा के छोटे मोटे चाह रही थी कि जैसे छोटे मोटे हल्दी मेहंदी में पहन के चली जाए। सुबह हम थोड़े से जाने लगे थे, मार्केट इस टाइम इतनी भर भर के चल रही है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है इसकी वजह से, तो मार्केट में भर भर के चल रहे हैं मतलब बहुत भीड़ थी मार्केट में। अच्छा भी बहुत सामान आया हुआ है इस टाइम, सामान तो अमनीशा में हर वक्त अच्छा होता है, डिजाइनर कपड़े सब चीज़ डिजाइनर मिल जाती है, जो जिस तरीके का फैशन का चाहिए आपको सब चीज़ मिल, चप्पल शूज़ वगैरह पार्टी वेयर कपड़े सब चीज़ मतलब अच्छा मिलता है। अब बाजी कह रही हैं कि चलो एक शॉप थी उस पर चलते हैं हम, पहले तो गर्म कपड़े की कह रही थी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे आए हैं, सेल लगी थी 200 रुपीज़ की 200 की मतलब, और वहाँ जैकेट देख लेते हैं अगर पसंद आई तो ठीक है गर्म कपड़े की, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था तो बाजी को पसंद नहीं आया। सुमैया को भी नहीं पसंद आया क्योंकि सुमैया कह रही मेरे पास तो है अम्मी, तो मैंने भी देखा मैंने कहा अगर पसंद आ गई तो एक जैकेट ले लूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया वहाँ पे कुछ भी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, इसमें मतलब अच्छा था सामान यहाँ मतलब फाउंडेशन वगैरह मेकअप का सामान मतलब सब चीज़ था ये, वो एक तरीके से एक छोटा सा बाज़ार था जैसे बिग बाज़ार होता है इस टाइप का छोटा सा क्या कहते हैं उसको। उसके बाद इसमें मतलब 100-150 हुई सेल लगी हुई थी इसमें, तो उसके बाद मैंने पिन ली और लिपस्टिक देखी उसमें लाइट कलर की नहीं पसंद आई थी, ये पिन नहीं ली थी वो स्कार्फ पिन मतलब, और थोड़ा सा और ये काजल लिया था बाजी ने, और काजल नहीं सॉरी लाइनर लिया, काजल नहीं लिया था ये लाइनर ले लिया था। फिर ये क्रीम ली थी एक हमने, क्रीम बहुत अच्छी थी इसका टच बहुत अच्छा था, और फाउंडेशन वगैरह लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और इससे मेकअप हम मतलब ये लगा के हम पूरा मेकअप कर सकते हैं अच्छा था, ये ले लिया था हमने। उसके बाद हम देखने लगे बाजी किट देख रही थी शाइनर वाली जो होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ब्लैक कलर देख रही थी उसमें था नहीं तो हमने रहने दिया। फिर हमने थोड़ा छोटा मोटा सामान लेके हम घर जाने लगे हैं, और थक बहुत गए थे आज। और बात करें हम लोग वीडियो का मैं यहीं एंड करनी है, मेरे वीडियो पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, अल्लाह हाफिज़।